नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सोनू लव, जहां पर आप देखते रहते हैं अक्सर पुराने सिक्कों के बारे में जानकारी, पुराने किलों के बारे में, पुरानी वस्तुओं के, एंटिक वस्तुओं के बारे में। और भाई जड़ा जड़ झमा झम फुल बरसात हो रही है, और इसी बरसात में साथ साथ सिक्कों के एग्जीबिशन की भी बरसात हो रही है। भाई कहाँ कहाँ एग्जीबिशन लगी है उसके बारे में हमने पीछे वीडियो बना भी रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ। अगर कोई दोस्त नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में पता लग जाएगा आपको हमारी वो वीडियो देख के कि एग्जीबिशन कहाँ कहाँ पर अभी चल रही है जुलाई अगस्त और सितंबर में। तो दोस्तों आज की जो विशेष वीडियो रहने वाली है, जो विशेष है, किस वजह से विशेष है, रेयर कॉइन, कौन से एल्यूमिनियम के रेयर कॉइन। दोस्तों देखो, रेयर कॉइन अलग अलग धातु के, कई धातुओं के होते हैं। आज हम बात करेंगे रेयर कॉइन जो कि एल्यूमिनियम से बने हैं, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा और 10 पैसा, उनके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। उनकी क्या विशेषताएं और कहां पर किस कीमत पर आप इनको बेच सकते हैं, और कहां पर भाई सबसे बढ़िया साधन तो भाई दोस्तों एग्जीबिशन है भाई। इसीलिए मैं कहता हूं आप मान लो वहां से कुछ कमा के भी ना लाए ना, एक तजुर्बा जरूर लेके आएंगे, और ना लुटने के लिए जानकारी जरूरी है। जानकारी कहाँ मिलेगी, अपने चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी लीजिए, चैनल की बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तो आपको पता लग जाए और आप एग्जीबिशन में जाके मूर्ख ना बने। तो दोस्तों मैं आपको ये पहले दिखा देता हूं भाई कॉइन। ये जो कॉइन है दोस्तों, ये है सारे जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, और दोस्तों ये सारे के सारे रेयर कॉइन है दोस्तों, 1 पैसे का, 2 पैसे का, 3 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का। और दोस्तों ये जो कॉइन आपने देखे, अगर किसी भाई ने, किसी दोस्त ने जो कॉइन की दुनिया में नया नया आया है उसने अगर ये नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। अभी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है इनकी जो रेयरनेस है, क्यों ये रेयर है। इनमें से कुछ सिक्के हमारे पास ठीक ठाक कंडीशन में है, कुछ थोड़ी डाउन कंडीशन में है, और ये जो हमारे पास अवेलेबल है ये भी भाई कीमती है। इनकी भी एक अपने आप से ज्यादा कीमत है, कई गुना कीमत है। क्या क्या कीमत रहने वाली है सारी इस चीज को हम डिटेल में बताएंगे, और क्यों है ये रेयर ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम 1 पैसे से। भाई 1 पैसे का सिक्के की बात करूं मैं तो ये है हमारे पास 1 पैसे का कॉइन जो कि बना है 1969 में, 1969 में दोस्तों ये सिक्का बना है। और इसके पीछे मैं दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों अशोक स्तंभ है इस पे, जैसे कि अधिकतर सिक्कों पे होता है। और ये जो 1 पैसे का कॉइन है ना भाई, ये 1 पैसे का कॉइन लगभग ना इसकी जो मार्केट वैल्यू है आज के समय में 2024 चल रहा है, 20 से 70 रुपए इसकी मार्केट वैल्यू है भाई। 20 से 70 कैसे, 20 से 70 ऐसे, अगर आपके पास ये 1 रुपए का कॉइन नॉर्मल कंडीशन में भी है ना, वो 20 रुपए का तो कम से कम जाएगा। और चकाचक चोंद वाला बिल्कुल नया नवेला यूएनसी कॉइन है भाई आपके पास ये वाला, तो उसकी कीमत भाई 70 से 80 भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके सामने खरीदने वाला कौन है। वो एक बड़ा कॉइन कलेक्टर है तो वो आपको कम दाम देगा, कोई नया कलेक्टर है या कोई कॉइन लवर है नया जिसने अभी सिक्कों की दुनिया में पांव रखा है, वो आपको थोड़े ज्यादा दाम दे सकता है। तो वो ऊपर नीचे होती रहती है कीमत। जो आजकल कुछ ऐसी चीजें सामने आई है, हमने कई वीडियो देखी, कई यूट्यूब पे कई वीडियो ऐसी है जिन वीडियो पे बताया जाता है भाई ये कॉइन 1982 का, अगर आपके पास है तो ये है लाखों का। वो देखिए उसमें इसके एक फोर्ट बना नहीं, एक गलत जानकारी बोलूंगा मैं, कैसे कैसे कि भाई दोस्तों एक सिक्का 1982 में जो कि बताया जाता है वो दे भी सकता है भाई 5 लाख रुपए, अगर वो कीमत बताता है ना दे भी सकता है। वो कैसे दे सकता है, वो ऐसे दे सकता है भाई आप उसको अगर 1982 का वो कॉइन दे देते हैं तो 5 लाख रुपए वो दे देगा, पक्का गारंटी देता हूं। लेकिन जो चीज बनी नहीं यार वो देगा कहां से, अपने आप को आगे शो ऑफ करने के लिए भाई, थोड़ा बताने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कई वीडियो ऐसी यूट्यूब पे आई है जिसमें वो चीज बताई गई है कि जो चीज बनी नहीं 1982 का जो वो बताता है वो बना ही नहीं, किसी ने, किसी के पास भी नहीं, किसी से पूछ लो है ही नहीं। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1982 या 1988 या 1999 जो सिक्का बना ही नहीं। और उनकी वीडियो में एक चीज देख लेना आप, वो सिक्का उस टाइम उनके पास अवेलेबल नहीं होता, अवेलेबल होगा कैसे, बना ही नहीं यार। तो इन चीजों से दोस्तों जानकार रहिएगा, ये जानकारी देना बहुत जरूरी थी आपके लिए, क्योंकि आप मान लो है ही नहीं, कोई बेचने भी नहीं जाएगा, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा उसमें, लेकिन आप मूर्ख जरूर बन जाओगे यार, इस तरह का कोई और भी तो सिक्का हो सकता है, दुनिया में एक ही सिक्का तो नहीं है इतने लाख का। तो आप फिर गलत जानकारी के शिकार होते हो, उससे बचो।
अच्छा ज्यादा चीजें वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता मैं। दूसरा कॉइन मैं आपको दिखाता हूँ 2 पैसे का, अभी टॉपिक पे आते हैं। ये 2 पैसे का कॉइन देखिए दोस्तों, जो कि हमारी क्वांटिटी में हमारे पास है, 3 पीस पड़े हैं हमारे पास। एक ये है थोड़ा सा डाउन कंडीशन में और इसको भाई साफ करना है अभी। एक ये है, ये भी 1969 का है, और एक नीचे दिखाऊंगा मैं आपको, ये एक्स रेयर कॉइन है दोस्तों। ये तीनों के तीनों एक्स रेयर कॉइन है दोस्तों। और एक्स रेयर कॉइन की क्या है मतलब पहचान, रेयर कॉइन और एक्स रेयर कॉइन में क्या फर्क है, क्यों होते हैं इतने महंगे एक्स रेयर कॉइन, ये सारी वीडियो भाई मैंने पीछे बनाई हुई है, अगर नहीं देखी तो देख लेना। मैं इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो भाई डिस्प्ले पे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा हूँ, उसको फॉलो करके आप वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं। तीसरा सिक्का मैं दिखाता हूँ आपको 3 पैसे का, ये है दोस्तों 3 पैसे का सिक्का, जो कि एक ये देखिए, ये हमारे पास 3 पीस पड़े हैं ऐसे 3 पैसे सिक्के के, और ये दोस्तों है ये भी 1969 का, और इसकी कीमत बताऊं तो दोस्तों 30 रुपए से लेके 100 रुपए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बार बार कह रहा हूँ कंडीशन का नहीं पता है तो वो पीछे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वीडियो देख लेना। अगला सिक्का दिखाता हूँ 5 पैसे का, क्योंकि भाई वीडियो काफी लंबी होगी, आप भी इंतजार कर रहे होंगे। ये है दोस्तों 5 पैसे का सिक्का, ये भी रेयर कॉइन है दोस्तों, जो कि एल्यूमिनियम धातु से बना है। ये देख लो भाई, ये एल्यूमिनियम धातु 5 पैसे का सिक्का है। और इधर बताऊं तो थोड़ा सा इसके नजदीक मैंने लगाए हुए 10 पैसे के सिक्के, ये है दोस्तों 10 पैसे के सिक्के इसमें और इसमें। ये 10 पैसे का सिक्का हमारे पास 1990 ईस्वी का भाई, ये 1969 में नहीं बने थे। तो दोस्तों ये 5 पैसे 10 पैसे और भाई पीछे 2 पैसे की भी कीमत जो है मैंने अभी बताई नहीं है, अब बताता हूँ। ये जो 2 पैसे का सिक्का है और ये 5 पैसे का सिक्का है, ये रेयर है दोस्तों, काफी कॉस्टली है, इनके अपने आप से काफी गुना कीमत है। जो 2 पैसे का सिक्का है ना दोस्तों, 1,000 1200 रुपए से लेके भाई 1800 2000 तक इसकी वैल्यू है। कैसे, नॉर्मल कंडीशन, फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, बीयूएनसी वाला आपका 2000 रुपए तक का जा सकता है भाई, डिपेंड करता है खरीदार कौन है। और ऐसे ही जो 5 पैसे का सिक्का है ना भाई, उसकी कीमत दोस्तों 300 रुपए से, जो 5 पैसे का सिक्का ये वाला मैंने दिखाया था अभी आपको, रेयर कॉइन है, 300 रुपए से 1000 रुपए इसकी कीमत है मार्केट में भाई। इनमें जो सबसे ज्यादा कीमत रखने वाले कॉइन है, इस जो पूरे मैंने आपको ये कॉइन दिखाए हैं, इनमें सबसे ज्यादा 2 पैसे और 5 पैसे कॉइन की वैल्यू है दोस्तों। ये आप बिल्कुल कहीं भी पता कर सकते हैं एग्जीबिशन में, इसकी ये वैल्यू है, बस थोड़ा बहुत अमाउंट में डिफरेंट आ जाता है, जो मार्केट वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू है अभी जो चल रही है। और जो 10 पैसे की कीमत है ना दोस्तों इस सिक्के की, 10 पैसे का जो सिक्का है, इसकी वैसे वैल्यू तो 10 रुपीज है, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू इसकी है भाई 100 रुपए से 200 रुपए तक, 100 से 200 रुपए के लगभग इसकी मार्केट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूँ, एक जो है हमारे पास 20 पैसे का कॉइन भी है, ओ मैं दिखा देता हूँ, ये कमल वाला है, ये देखिए, ये 1970 का कमल का फूल है, सूरज उगता है और कमल, ये पानी, कमल के नीचे पानी है। ये वाला कॉइन है, ये वाला भी भाई रेयर कॉइन है, ये हमने ऐड कर लिया, जो कि पित्तल धातु का है, पित्तल धातु में दोस्तों ये बना है। और इसकी जो कीमत है आज के समय में, अगर यूएनसी कंडीशन में अगर देखोगे आप, तो इसकी यूएनसी कंडीशन में दोस्तों 180 से लेके 200 रुपए तक, 180 से 200 रुपए तक। स्टार्ट कहां से होती है, अगर नॉर्मल कंडीशन में भी है तो 70 रुपए का कॉइन है भैया, इसकी मार्केट वैल्यू है। तो दोस्तों जो एग्जीबिशन में जरूर जाइएगा, लगी हुई है, जो जिनके भाई दूर है वो उनके शहर के आसपास भी लगेगी, और किसी भाई ने अगर वो एग्जीबिशन वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, पूरी डिटेल दे रखी है हमने। और आज की इस वीडियो में हमारे बताने का ये मकसद था, क्योंकि काफी वीडियो हमने रेयर कॉइन के ऊपर दिखाई हुई है आपको, तो अलग अलग तरह के कौन कौन से रेयर कॉइन हैं जो आप एग्जीबिशन में जाएं तो वो ही लेके जाएं, बोझ ना मरे, ढेर सारा कट्टा भर के ना लेके जाएं भाई, ये हमारा मकसद है कि आप जानकार बन के जाइए एग्जीबिशन में। और हाँ भाई, ये एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो बीकानेर एग्जीबिशन लगेगी और जो जोधपुर एग्जीबिशन लगेगी, मैं भी शायद हम वहां पर आए, क्योंकि भाई बीकानेर में जो है भाई, जो अभी पीछे भी डाली हुई है मैंने बीकानेर एग्जीबिशन की वीडियो भी, वहां पे भाई सिक्कों के साथ साथ एंटिक कलेक्शन भी है, वो देखने को मिलेगी, खास कारण ये है हमारा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना कमेंट करके, और चैनल पर अगर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।